बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा पहला लेक्चर है जो ऑनलाइन क्लास पे है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने चैप्टर क्लास में शुरू किया था, एक सवाल हमने वहां पे किया था। आज मैं आपको उसकी प्रॉब्लम 1-7A करवाऊंगा। असल में अकाउंटिंग इक्वेशन कहते किसको है, एसेट्स is equal to liability plus owner equity। Equation equalize करने से है, हमने assets और liabilities और equities को आपस में बराबर बराबर रखना है। इसका sketch जो आप बनाएंगे, जब भी आपने question शुरू करना है, आपने इस तरीके से इसको पहले बना लेना है। जिन बच्चों ने डी काम या आई काम किया हुआ है, वो बच्चे अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन वो तमाम के तमाम ऑनर्स ड्यूटी के कंपोनेंट एक ही लाइन में लिखते थे, जमा करते थे और माइनस करते थे। लेकिन बी काम लेवल पे हमने इसको इस तरीके से करना है कि हर कंपोनेंट्स को अलहदा अलहदा लिखना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। यहां तक तमाम के तमाम क्वेश्चंस यहां तक बन जाएंगे, इस स्केच की सूरत के अंदर हो जाएंगे। फिर इसी में ही हम माइनस करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, कौन सा कंपोनेंट माइनस हो रहा है, कौन सा कंपोनेंट जमा हो रहा है। अब 1-7A जो प्रॉब्लम है उसमें वो कह रहा है, जेडी सैमसन स्टार्टेड द सैमसन कंपनी अ न्यू बिजनेस दैट बिगेन ऑपरेशन ऑन May 1। सैमसन कंपनी कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग दैट फर्स्ट मंथ। May 1 जेडी सैमसन द ओनर इन्वेस्टेड 60,000 कैश इनटू द बिजनेस। ओनर ने 60,000 रुपया कैश बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। 60,000 रुपया कैश में बेटा जमा कर दे और कैपिटल में भी 60,000 रुपया लिख दे। ये है कि May 1 की। इसके बाद May 1 की दूसरी एंट्री, वो भी Rented a furnished office and paid 3200 cash for May's rent। उसने रेंट अदा कर दिया 3200। कैश में से माइनस कर दे और एक्सपेंस में ऐड कर दे। एक और बात याद रखिएगा, ये कंपोनेंट नीचे आते हुए सारे ऐड होंगे, लेकिन जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी, तो ओनर्स इक्विटी में कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस और माइनस ड्राइंग, ये खुद ब खुद ही बराबर आ जाएगा। अब इसका बेटा बैलेंस निकाल ले। 60,000 में से 3200 अगर हम लेस करते हैं, 58,800 और इसके बाद आप अगर इस पैराग्राफ को, इस स्केच को मुकम्मल करना चाहते हैं, तो ये डेट वाइज 3 मई, 3 मई, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगा। आपने हर दो लाइनों के बाद वाली दूसरी लाइन पे आपने लाइन लगा लेनी है। आपका ये स्केच जितनी भी एंट्रीज है, आप बेशक साफ साफ लगाते रहे,
या गिनकर एक दफा स्केच को मुकम्मल कर लें, जो आपको इजी लगे आप इस स्केच को ऐसे बना सकते हैं। बाकी मैं फिर देखता हूं। अब मैं टीम को परचेज 1680 ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट, उसने ऑफिस इक्विपमेंट उधार खरीद लिए, तो ऑफिस इक्विपमेंट का एक कॉलम बन जाएगा। और उसने उधार खरीदे हैं, जब भी उधार खरीद होती है हम उसको अकाउंट पेएबल कहते हैं। अगर उधार खरीद रिटर्न प्रॉमिस हम दे दें तो उसको नोट पेएबल कहते हैं, या आगे क्वेश्चन में लफ्ज ऐड किया हो गिविंग आर नोट तो फिर हम इसको अकाउंट पेएबल की बजाय नोट पेएबल कह देंगे। लेकिन क्योंकि सब जबानी कलामी बात है हम इसको अकाउंट पेएबल ही कहेंगे। वो कहता है 3 तारीखों से 1680 के ऑफिस इक्विपमेंट उधार खरीद लिए, मेरे पास ऑफिस इक्विपमेंट बढ़ गए, मैंने ऐड कर दिया, और मेरी लायबिलिटी भी बढ़ गई, मैंने यहां पर भी ऐड कर दिया। अब आप फिर बैलेंस निकाल लेंगे, उसके बाद मैं 5 की एंट्री है, पेड 800 कैश फॉर द मंथ क्लीनिंग सर्विसेज। अच्छा एक और बात भी याद रख लीजिएगा तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, जहां पर भी पेड कैश लिखा हुआ हो आपने वो अमाउंट कैश में जमा कर लेनी है। और दूसरा उसका इफेक्ट क्या होगा वो आप देखिएगा कि क्या कोई सामान हमने उधार खरीदा है तो वो पेबल में आ जाएगा, अगर वो नगद खरीदा है तो कैश में से माइनस हो जाएगा और उस एसेट्स में एडिशन हो जाएगी। और जहां पर भी पेड कैश बेटा सॉरी माइनस हो जाएगा, और जहां पर रिसीव्ड कैश लिखा हुआ होगा वो अमाउंट कैश में ऐड कर देंगे और देखेंगे कि उसका दूसरा इफेक्ट किधर हो रहा है। पेड कैश 800 कैश 800 बेटा पेड है तो माइनस कर दे कैश में, और क्या चीज है क्लीनिंग सर्विसेज है तो मेरा खर्चा 800 से बढ़ गया, इधर आप इसको जमा कर दें। ये मई 5 की एंट्री, ये फिर बेटा बैलेंस, फिर उसके बाद मई 8, मैं यहां डेटे पहले लिख देता हूं, उसके बाद फिर बैलेंस, फिर उसके बाद मई 12 बैलेंस, मई 15 बैलेंस, मई 20th मई 22nd बैलेंस, 25th बैलेंस, 26th बैलेंस, 27th बैलेंस,
बैलेंस 28 बैलेंस 30th फिर दूसरी एंट्री भी 30th की फिर इसके बाद 31st की एक एंट्री है ये मेरे पास जितनी भी एंट्रीज हैं मैंने इनकी डेट लिख दी है अब मैं 8th को प्रोवाइड कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली कलेक्टेड 4,600 कैश उसने सर्विसेज प्रोवाइड की और इमीडिएटली फौरी तौर पर रिसीव्ड कैश आ गया 4600 रुपए उसने कमा लिए प्लस 4600 कैश में जमा कर दे और ये किस चीज के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की वो उसकी रेवेन्यू है 4600 यहां पे कैश रेवेन्यू में भी जमा कर दे फिर बैलेंस निकाल लें अगर ये चेक करना है तो आप अपने कैलकुलेटर पे इसको चेक भी कर सकते हैं कि यहां तक जो मैंने ट्रांजैक्शंस की हैं क्या वो बराबर है ये 62,280 आ गया ये प्लस ये प्लस ये माइनस ये देखें 62,280 इसका मतलब है यहां तक हमारा सवाल दुरुस्त है उसके बाद मई 12th को प्रोवाइड 3,000 ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट ऑन क्रेडिट अब उसने कंसल्टिंग सर्विसेज दी हैं, खिदमात दी हैं 3,000 की उधार ये उसने सामान उधार खरीदा था अकाउंट पेबल जब हम किसी का कोई काम उधार करेंगे उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं थ्री थाउजेंड और ये क्या है ये हमारी रेवेन्यू है यहां पर भी प्लस 3,000 नीचे बैलेंस निकालेंगे उसके बाद मई 15th को पेड 850 कैश फॉर एन असिस्टेंट सैलरी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ सैलरी अदा कर दी पहले हाफ की महीने के पहले हाफ की हमने सैलरी अदा की 850 तो जो भी पेड कैश है माइनस कर दे इसमें से 850 और इसको एक्सपेंस में ऐड करेंगे असल में ये ऐड करने का मतलब ये है कि ये जो माइनस का साइन है अब ये 4850 खुद ब खुद ही यहां पे हो जाएगा माइनस का जिन बच्चों ने डी कम या आई कम किया है वो बच्चे ये तमाम के तमाम जमा तफरीक इसी एक कॉलम में करते थे कैपिटल लिखते थे रेवेन्यू को यहां पे ऐड कर देते थे एक्सपेंस को यहां पे माइनस कर देते थे और ड्राइंग को भी यहां से माइनस कर देते थे लेकिन जब हम बीकॉम लेवल पे इसको करेंगे तो ये हमने चार कंपोनेंट्स लिखने के बाद इन्हीं को सबको कॉलम वाइज जमा करते जाएंगे जब हम बैलेंस वाला कॉलम को इक्वल करेंगे तो वो खुद ब खुद ही जवाब हमारा बराबर आ जाएगा
60,600 में से जब हम 850 लेस करते हैं तो 59,750 बनेगा। चेक करना है कि ये यहां तक जो मेरा अमल है वो ठीक है या गलत है। 95% तो हम कह सकते हैं कि अगर ये बैलेंस बराबर आ गया है तो आपका क्वेश्चन यहां तक ठीक है। 100% नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम उसको ट्रीट कर रहे थे क्योंकि 95% है तो लिखा जा रहा है, बराबर आ रहा है और ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन को आगे करते रहेंगे। उसके बाद मई 20th को रिसीव 3000 कैश पेमेंट फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन मई 12th। ये जो 3000 मैंने उधार काम किया था उस बंदे ने मुझे पेमेंट कर दी, तो मैंने जिससे पैसे लेने थे उसके कॉलम में उसके खाते में खुद ब खुद माइनस हो गया। और रिसीव्ड कैश तो मैंने यहां पर पहले भी एक बता दिया, रिसीव्ड कैश है तो कैश में इसको हमने जमा करना है, उस साइड पे लायबिलिटी और इक्विटी वाली साइड पे कोई अमल नहीं होगा। अमल ना भी हो आपने बैलेंस को नीचे एज इट इज लेकर आना है, यहां पे लिखना है। उसके बाद बेटा मई 22 को प्रोवाइड 2800 ऑफ कंसल्टिंग सर्विसेज ऑन क्रेडिट, फिर मैंने फिर प्रोवाइड कर दी 2800 की सर्विसेज उधार, फिर ये वही उधार की है 2800 जमा कर दे और फिर रेवेन्यू में 2800 को जमा कर दे, ये बैलेंस निकाले। फिर 25th को रिसीव 2800 कैश, बिल्कुल वैसे ही एंट्री जब हमने ये वाली एंट्री पहले उधार दिया था फिर वसूल हो गया, उधार दिया था यहां जमा किया रेवेन्यू में जमा किया, वसूल हो गया यहां माइनस किया कैश में जमा किया, फिर अगली एंट्री भी वही है, अमाउंट का फर्क है, उधार खिदमात सरंजाम दी यहां पे जमा कर दिया रेवेन्यू में हमने उसको जमा कर दिया, और जब वो पैसे हमें दे देगा तो हम इसको माइनस कर देंगे और यहां पर इसको प्लस कर देंगे, इस साइड पर फिर वही अमल होगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद 26th की एंट्री है पे 1680 कैश फॉर द ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन मई 3। मई 3 पे देखे बेटा हमने ये उधार खरीदा था, अब उसकी पेमेंट कर दी है, मैंने पहले कहा पेड कैश यहां पे तो माइनस कर दें। अब दूसरा अमल इसका क्या करना है, मैंने जिसके पैसे देने थे वो अदा कर दिए, इधर भी माइनस कर दिए। 63,870 1680 और ये नील हो गया। अच्छा जी, उसके बाद बेटा 26th के बाद 27th परचेज 60 ऑफ एडवर्टाइजिंग इन दिस मंथ माय लोकल पेपर ऑन क्रेडिट कैश पेमेंट इज ड्यू जून। मैंने इश्तिहार दिया अखबार में कितने का, $60 का, पैसे मैं दूंगा जून में, ये खर्चा है। हम ये कब की बना रहे हैं, हम बना ये मई की रहे हैं, खर्चा मई का है, चाहे हम पेमेंट करेंगे जून में लेकिन हम अपने एक्सपेंस को अब मैंने उसको अदा करने हैं, जून में करूंगा
तो मेरी लाइबिलिटी जो है बेटा ये फिर बढ़ गई, मैंने किसी का कुछ नहीं देना था, मैंने फिर उसके $60 किसी के पे करने हैं और इसको हम एक्सपेंस में भी ऐड कर देंगे। ये अमल जो है सिर्फ इक्विटी वाली साइड पे ही होगा और लायबिलिटी वाली साइड पे होगा, इस साइड पे इसका कोई अमल नहीं आएगा।